बैक टू चैनल, होप करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो गाइस फाइनली एक और वीडियो के साथ हम आ गए हैं। तो बेसिकली आज हम आए थे छत पे काइट फाइटिंग करने, लेकिन आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो मैंने सोचा जो बहुत ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आप सबने सजेस्ट किया था वो था कि अपनी खींच की स्पीड को तेज कैसे करें, हाथों में मांजा फंस जाता है, या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो खींच से रिलेटेड थे। तो गाइस आज खींच के बारे में पूरी वीडियो होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग। जितना मैंने अब तक सीखा आप सबको बता दूंगा, वीडियो एंड तक देखना, मजा ना आ जाए तो बता देना। फटाफट चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो गाइस पतंगे लेकर मैं आया था, एक बार आपको पतंगे दिखा देता हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कुछ पतंगे इस वाले घर पर पड़ी हैं और बाकी मैं आपको दिखा चुका था। तो फटाफट पतंगे दिखा दूँ। तो गाइस ये कुछ पतंगे पड़ी हुई हैं, देखो इनकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो गई, मगरहल किस्म की पतंगे हो चुकी हैं। सबसे पहले ये वाली पतंगे देख सकते हो, ये रही उछल। शायद ये पतंग बहुत जबरदस्त है, ये हमने सैंडी भाई से ली थी। और ये पतंगे मैं ले जाऊंगा नहीं हालांकि जयपुर, क्योंकि ये पतंगे बहुत पुरानी हो गई, इनको यहीं तोड़ाऊंगा। जयपुर के लिए सारी नई पतंगे जाएंगे, क्योंकि आप ये वाली पतंगे सारे देख चुके हो। और ये देखो ये तो वही नॉर्मल पतंगे, और इसके अलावा ये अपनी गुटाई वाली पतंगे कोई मस्त, इनको हम यहीं तोड़ा देंगे। और ये पतंगे तो फट चुकी हैं, तो इनको हमें कुछ नहीं करना है। तो गाइस जो मेन टॉपिक आज हमारा खींच का, आज हम उस पर फोकस करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट बताता हूँ। तो गाइस काफी सारी चीजें जो आपकी खींच पे इफेक्ट डालती हैं, एक एक करके सारी बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, जो बच्चे खींच मार नहीं पाते हैं, उनका यह है कि वो लोग सद्दी से पतंग नहीं उड़ाते हैं। लाइक आगे मांझे और पीछे सद्दी बिल्कुल नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट मांझे से पतंग उड़ाते हैं। मांझे में होता क्या, मांझे में ग्रिप नहीं बनती, हाथ कटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो जब आप मांझे से खींच मारोगे तो आपको डर भी रहेगा हाथ कटने का, और दूसरा उस पर जो ग्रिप नहीं बन पाएगी, अगर ग्रिप बनाने की कोशिश करोगे तो हाथ कट जाएंगे। इसी वजह से सब लोग प्रेफर करते हैं, जितने ग्राउंड काइट फाइटिंग होती है और जितने अच्छे प्लेयर होते हैं, वो सब सद्दी यूज करते हैं। हालांकि जैसे मैं पहले मांझे से उड़ाता था, अब मैं सद्दी से उड़ाने लगा हूं, तो मुझे अपनी खींच में बहुत एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला है। क्योंकि जब हम सद्दी से उड़ाते हैं तो हमारा हाथ नहीं कटता, दूसरा ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, सद्दी बिल्कुल फिसलती नहीं है, और चौथा ये होता है कि सद्दी जब पीछे लगी हो तो पतंग में एक जान आ जाती है। जान कैसे आती है, जब आप डायरेक्ट मांझे से उड़ाओगे तो मांझे को टूट के जाने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहला सजेशन मेरा ये रहेगा, सबसे पहले सद्दी लगाओ। तो गाइस दूसरी टिप यही है कि जब आप सद्दी लगा लेते हो, सद्दी लगाने के बाद आपको स्टिल अपने हाथ में टेपिंग करनी है। टेपिंग इसलिए करनी है क्योंकि कभी कभी खींच मारते मारते डोर भी हाथ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो टेरेस काइट फाइटिंग होती है वो बहुत कम रेंज पे होती है एज कम्पेयर टू मैदान। तो टेप लगा लेना ताकि हाथ कम कटे, और अगर हाथ कट जाएंगे तो फिर आप खींच बिल्कुल नहीं मार पाओगे। जैसा आप 15 अगस्त पे या मकर संक्रांति आने वाला है तो आप लोग पतंग उड़ाओगे पूरा पूरा दिन, तो हाथ कटने के बहुत ज्यादा चांसेस है। टेप पे लगा लेना, और डॉक्टर टेप आती है, किसी भी केमिस्ट पे जाके आप परचेज कर सकते हो, तो वहां से आप अगर ले लोगे तो आपके हाथ सेफ रहेंगे और खींच बहुत बढ़िया रहेगी। तो भाई तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है, लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि जब हम खींच मारते हैं तो हम लोग बहुत छोटे छोटे हाथ खींचते हैं, जो मैंने अक्सर बहुत बच्चों को करते हुए देखा है। लाइक जब हम खींच मारते हैं, दीपक भी है, इतने इतने हाथ खींचेगा या फिर इतने इतने नीचे को खींचेगा, और आप जब मुझे खींच मारते हुए देखोगे तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, बहुत लंबे लंबे हाथ खींचता हूँ। तो उससे फर्क ये पड़ता है, जब आप छोटे हाथ खींचोगे तो आप उसी टाइम पे कम डोर खींच पाओगे एज कम्पेयर टू जब आप बड़े हाथ खींचोगे। लाइक आपने यहाँ से डोर यहाँ तक खींची तो आपने इतनी ही डोर खींची, वहीं पर अगर आप उसको आगे से लेके खींच रहे हो तो आप उसी एक ही खींच में आप इतनी बड़ी खींच मार पाओगे और इतना थ्रेड खींच पाओगे। तो खींच का मतलब यही होता है पतंग कितनी तेज वापस उतार पा रहे हो। तो जितना तेज आप बड़े हाथ चलाओगे तो सिंपल आपका खींच स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। इसमें कोई स्ट्रेंथ वाली मैं बात नहीं कर रहा, स्ट्रेंथ की बात मैं अगले उसमें करूंगा, लेकिन इस पॉइंट में यही था कि आपको सबसे पहले लंबे हाथ चलाने हैं। फॉर एग्जांपल यूं नहीं चलाने, आपको यूं चलाने हैं। आपको इंट्रो में मैं दिखा दूंगा अपनी जो मैंने खींच की वीडियोज डाल दूंगा, ताकि आपको एक रेफरेंस के लिए पता लग जाए कैसे चलाना। गाइस अगली टिप ये होने वाली है कि आप चाहे ये जितनी भी टिप्स मैंने दी, अगर आप ये फॉलो भी कर लोगे उसके बावजूद भी अगर आपकी पतंग अच्छी नहीं है तो आपकी खींच कुछ भी करके इंप्रूव नहीं होने वाली। अगर आपके पास पतंग अच्छी है जो आपके इशारों पर भाग रही है तो आप बढ़िया खींच मार पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप 2 रुपए की पन्नी की पतंग ले लेना और एक अच्छी कारीगर की 14 या 15 रुपए की पतंग ले लेना, अब दोनों में सेम स्ट्रेंथ से सेम स्टाइल से खींच मारना, आप खुद नोटिस करो कि एक पतंग तेज भाग रही है एक पतंग स्लो भाग रही है। तो यही रीजन होता है अच्छी पतंग का। ये वही बात हो गई, पेट्रोल कितने अच्छा ले लो, अगर गाड़ी अच्छी नहीं है तो क्या ही भगा लोगे। तो सिंपल सी बात है, पतंग अच्छी लो जो अच्छे से भागे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पतंगे उड़ाता हूँ, ये अपनी अद्धी पौनी जो अच्छे किसी कारीगर की आपको मिले आप वो उड़ाओ, और ऑटोमेटिक आपको अपनी खींच की स्पीड में फर्क देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये पॉइंट मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन बाकी चीजें जो फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं वो अगर आपको समझ आ जाएंगे उसके बाद ही आप इस पर प्रैक्टिस कर पाओगे,
लाइक सबसे मेन जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको खींच तेज हो ही नहीं सकती। लाइक पहले हम जो खींच मारते थे टाइम के साथ साथ, इतना हम ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं दीपक और मैं, तो टाइम के साथ खींच आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक वो दे सकता हूँ कि आपको एक रूटीन है वो फॉलो कर सकते हो। लाइक आपने पतंग उठाई कोई भी, ठीक है, दीपक को मैं कहूँगा कैमरा क्लोज दिया है, ठीक है, तो ये रही पतंग। आपको करना क्या है, इग्नोर करना भाई, ये फट गई है थोड़ा पड़े पड़े, आपको कन्ने बांधने यहाँ से लेके पीछे तक बिल्कुल, ठीक है। पतंग में आप जितना वजन बना बना सको बना देना, और क्या सद्दी लगा के डायरेक्ट मांझा मत लगाना, उड़ा दो पतंग को और फिर खींचो। क्योंकि जब आप इतनी भारी पतंग को खींचना स्टार्ट करोगे और एक टाइम के बाद अगर आपको वो हल्का लगने लग गया, तो जब आप नॉर्मल हल्की पतंग में उड़ाओगे ना तो आप ऐसे खींचोगे, समझ रहे हो। जब आप इतनी भारी पतंग पर अगर प्रैक्टिस करने लग गए तो आप छोटी पतंगे इजीली खींच लोगे, छोटी इन द सेंस छोटे कन्ने वाली, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जब आप बड़े कन्ने बांधोगे तो पतंग का वजन ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको खींचने में ताकत लगेगी, और ताकत में अगर आप खींचोगे उसको तो आपकी मसल्स थोड़ा बनेंगे और थोड़ी आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, और इसके बाद आपका ऑटोमेटिक जब नॉर्मल पतंग उड़ाओगे तो खींच तेज हो जाएगी। तो गाइज ये वाली टिप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास हमारी तरह थोड़ी सी बड़ी छत है, हालांकि ये छत ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना स्पेस काफी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पेज चढ़ रहा है वहां, ठीक है, और मैं बिल्कुल आगे चला जाऊंगा, ठीक है, तो मैंने खींच मारना स्टार्ट किया, तो खींच मारते 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 आपको पीछे आना है। तो खींच मारते हुए जब आप पीछे आओगे तो होगा क्या, ऐसे तो आप डोर खींच ही रहे हो, और जब आप पीछे आओगे ना तो जो आपके डिस्टेंस पीछे ला रहे हो, इसके साथ आपके मोमेंटम भी मिलेगा और डोर और ज्यादा खींच पाओगे। आपने देखा होगा कि जो काइट फाइटिंग ग्राउंड में होती है उसमें वो लोग क्या करते हैं, भागते भागते पीछे आते हैं, तो जितना डिस्टेंस वो भागते हैं उतना डोर तो पीछे आता ही है, साथ साथ ये वाला जो आप खींच रहे हो ये डोर भी पीछे आ रहा है, तो स्पीड में ऑटोमेटिक फर्क आ जाता है। तो खींच की स्पीड बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप कितनी डोर खींचते हो, सिंपल सी बात है। तो यही आपको करना है, और जो लोग हमारी तरह मोंटी से जैसे वहाँ उड़ाते थे पतंग दीपक की छत पे, तो वो बिल्कुल ट्राई मत करना, ठीक है। हम भी उड़ाते हैं खड़े खड़े, हम खींच मार देते हैं बढ़िया, लेकिन ये तब है जब आपके पास छत बड़ी। तो गाइस ये सारे पॉइंट अगर आप फॉलो कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी खींच तेज हो जाएगी। बाकी आप प्रैक्टिस करो, और दूसरा थोड़ा पुलअप वगैरह कर लिया करो। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, जैसे जैसे हमारा अनुज है पतले पतले हाथ लेके खींच मारने की कोशिश करता है, तो अगर शरीर में ताकत ही नहीं होगी, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, तो कहाँ से खींच सकेगी। उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेंथ, आपकी बैक मसल की स्ट्रेंथ चाहिए, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये पूरा कंबाइंड मसल जो अपना स्कैपुला मसल होता है, ये शोल्डर के मसल होते हैं, इन सबकी स्ट्रेंथ, कंबाइंड स्ट्रेंथ जो होती है वो आपको मदद करेगी आपको खींचने में, अच्छे तेज तेज से खींचने में। तो दीपक और अनुज जैसे आप जो बच्चे छोटे हैं वो लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करो, इससे आपकी थोड़ा सा ओवरऑल आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आप पतंग भी अच्छी उड़ा लोगे। तो ये हेल्थ के साथ साथ एंटरटेनमेंट प्लस हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है पतंग की एक्सरसाइज। वैसे एक चीज़ और मुझे फील होती है, जो लोग गलतियाँ करते हैं वो जो सद्दी यूज़ करते हैं वो या तो ज़्यादा मोटी यूज़ कर लेते हैं या तो ज़्यादा पतली। तो आपको करना क्या है, सद्दी आपको मॉडरेट लेवल की यूज़ करनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, और सद्दी आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि जब आप खींच मारेंगे तो आप इतने प्रेशर से खींच मारेंगे कि जैसे हम लोग मारते हैं तो बलून तक तोड़ देते हैं, जो बलून सबसे ज़्यादा मजबूत सद्दी होती है, और ओसवाल भी मजबूत होती है लेकिन बलून से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप सद्दी मजबूत यूज़ करोगे और खींच मारोगे तो आपके टूटने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आप खींच मारते मारते आपके हाथ से डोर टूटा और आपको ढील देनी पड़ी तो आपकी पतंग ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो हालांकि ये खींच की टिप ही है, बट ये अगर आपका पेच फंस गया और आपको ढील को फंसा के लड़ाने पड़ गए तो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए सद्दी हमेशा अच्छी यूज़ करें और मजबूत यूज़ करें, ताकि खींच मारते मारते वो आपके हाथ में उलझ के टूटे ना। काफ़ी बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि हाथ में डोर उलझ जाती है और उलझ के डोर टूटती है, तो टूटे ना इसलिए सद्दी मजबूत, और उलझे ना उसके लिए अगला पॉइंट। तो गाइस जो सबसे लास्ट टिप रहने वाली है वो यही है कि सद्दी हाथ में उलझ जाती है, तो मैं उसके लिए आपको इजी सी चीज बता देता हूँ। जब भी आप सद्दी उतारते हो ना तो कोशिश कराओगे उसको पीछे फेंकने की, लाइक यहाँ सद्दी फेंकोगे तो इधर कलेक्ट होगी वो, अगर अपने पाँव पे उतार दोगे और यहीं पे तो वो नीचे भी उलझेगी और आपके हाथों में भी उलझेगी। तो हाथों में ना उलझे उसके लिए बता रहा हूँ, जब आप खींचते हो ना तो मूवमेंट अपनी बिल्कुल फ्री फ्लो रखो, ये नहीं कि आपने खींची फिर रोकी फिर खींची फिर रोकी, इस केस में क्या होता है यहाँ उंगलियों में आपकी डोर अटकने लग जाती है या कुछ, आपको एक फ्लो बनाना है, ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। जैसे हम लोगों की भी सद्दी बहुत अटकती थी पहले, दीपक की भी अटकती थी, लेकिन अब हमारी सद्दी अटकती नहीं है क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक फ्लो में मारते हैं, ठीक है। और फ्लो में जब आप चलाओगे हाथ बिल्कुल तो सद्दी पीछे को जाएगी, वहाँ कलेक्ट होगी, और ऐसे खींचते खींचते आपको एक जगह नहीं उतारना है, ना पाँव में उलझेगी ना हाथों में। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई क्लियर में ऐसा ट्रिक तो होता ही नहीं है,
क्योंकि नॉर्मल हाथों से ही खींचना है, सबके पास ही दो हाथ हैं, तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस काम आएगी। बाकी ट्राई टू अवॉइड ये, मतलब एक लीनियर मोशन में आपको खींच मारनी है, बिल्कुल लीनियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऐसे मारी फिर आप रुक गए, फिर आपके हाथ फंसे, फिर आप रुक गए। हाथ तभी फंसेंगे जब आप मारते मारते रुक रहे हो। आपको एक फ्लो में मारनी, मारते जाओ। सो गाइस, ये थी कुछ प्रो टिप्स जो मैं होप करता हूँ आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। मकर संक्रांति बहुत नज़दीक है, काफ़ी बच्चे हमें वहाँ से जयपुर से भी फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को अगर ये टिप्स काम आती है तो नीचे कमेंट्स में बता देना और एक थम्स अप कर देना। बाकी गाइस फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट फॉर एक्सप्लोरर।